जामिया में दिवाली, आखिर इसके पीछे कौन बवाली? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कल शाम को दिवाली उत्सव मनाया जा रहा था। ये उत्सव इसलिए मनाया जा रहा था क्योंकि छात्र जो हैं वो छुट्टी पर जाने वाले थे, उससे पहले दीपो उत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी बीच यानी कि कुछ ऐसे कट्टरपंथी थे जिन्हें ये कार्यक्रम जो है रास नहीं आया। फिर क्या था, जबरदस्त तरीके से बवाल काटा गया, हंगामा हुआ। ऐसे में सवाल ये कि रोशनी के इस त्यौहार में आखिर कौन है जिसने नफरत फैलाने का काम किया है, आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। जामिया में बवाल, नफरती आवाज, भड़काऊ तकरीर, कट्टरता की नजीर, टुकड़े गैंग एक्टिव, विरोध सिलेक्टिव, दिवाली का दुश्मन कौन? यकीन करना मुश्किल है लेकिन नफरती तकरीर बाजी का ये शो राजधानी दिल्ली के नामी यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से उठा है। मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे देश की इस नामी यूनिवर्सिटी में विशेष समुदाय के कुछ छात्रों के साथ मिलकर कट्टरपंथी ताकतों ने ऐसा बवाल काटा कि यकीन करना मुश्किल हो गया कि ये मंजर शिक्षा के किसी केंद्र का है। कहने को तो ये नफरती नारेबाजी करने वाली भीड़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों की है लेकिन सनातन के विरोध के सुर में देश की राजधानी दिल्ली में कैसे खास समुदाय के लोग किसी तरह इकट्ठे हो गए, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा ही सकते हैं। इससे पहले कि आपको देश के इस नामी यूनिवर्सिटी में लगे नफरती नारेबाजी की अगली तकरीर सुनाएं, आपको सबसे पहले बता दें कि ये तस्वीर बीते मंगलवार शाम 7:30 बजे की है जिस वक्त इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ हिंदू छात्रों ने दीपावली की छुट्टी से पहले कैंपस के एक छोटे से हिस्से में दिया जलाकर दीपावली की खुशियां आपस में बांटने की कोशिश की थी, जिस पर खास समुदाय के कुछ कट्टरपंथी मानसिकता के छात्रों का गुस्सा ऐसा भड़का कि उन्होंने कथित तौर पर पहले तो दिए को जूतों से कुचला और फिर वो कहर बनकर यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्रों पर ऐसे टूटे कि एक तरफ जहां कई छात्र चोटिल हो गए दूसरी तरफ इस नामी यूनिवर्सिटी के कट्टरपंथी ताकतों के चेहरे से नकाब उतर गया। जामिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में घिरी और इस बार वजह रहा दिवाली सेलिब्रेशन। आप तस्वीरों में देखेंगे कि रंगोली गेट नंबर 7 के ठीक अंदर जब आप एंटर कर रहे हैं तो सामने ही आपको लाइन से रंगोली बनी हुई नजर आ जाएगी। बताया जा रहा है कि शाम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास इसी तरीके से दिवाली सेलिब्रेशन यहाँ पर चल रहा था और झड़प इस कदर हुई कि फिलिस्तीन जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए गए। एहतियातन दोनों ही गुट आपस में जब भिड़े उसके बाद पुलिस को इस मामले में इतला जो है वो दिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई भी शिकायत उन्हें इस मामले में बरामद नहीं की गई है लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर दिल्ली पुलिस जामिया और आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग करती हुई जो यहाँ पर शांति बनाए रखने की अपील करती हुई आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगी। दिल्ली पुलिस में मिली जानकारी के मुताबिक ये सारा हंगामा जामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 के अंदर हुआ लेकिन ना तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हंगामे को रोकने की कोशिश की और ना ही कैंपस में पढ़ने वाले किसी मुस्लिम छात्रों ने इस बढ़ते बवाल को शांत कराने की कोशिश की। लेकिन हद तो तब हो गई जब हिंदू छात्रों ने दीप को कुचलने का विरोध किया तो विशेष समुदाय के छात्रों ने न सिर्फ हिंदू छात्रों के साथ बदसलूकी की बल्कि उन्होंने बाहर से कुछ कट्टरपंथियों को भी कैंपस के अंदर बुला लिया और फिर उसके बाद छात्रों के साथ मारपीट करने के बाद कैंपस में धार्मिक नारेबाजी के साथ साथ फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस बवाल की खबर जल्द ही दिल्ली पुलिस को मिल गई जिसके बाद पुलिस ने आकर हालात को संभाला लेकिन देश की इस्लामी यूनिवर्सिटी में इस हंगामे के बाद से तनाव का माहौल है जिसे देखते हुए फिलहाल जामिया यूनिवर्सिटी को पुलिस कैंप में तब्दील कर दिया गया है। बहरहाल दिल्ली पुलिस का दावा है कि यहाँ हालात काबू में है लेकिन सवाल कि आखिर देश की इस्लामी यूनिवर्सिटी को कट्टरपंथ का अड्डा बनाने की साजिश कौन कर रहा है और कौन दिल्ली और दिवाली का दुश्मन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जामिया में दिवाली कार्यक्रम पर हंगामे का ये मामला था और आज फिर से आयोजन किया गया है। जामिया में दिवाली कार्यक्रम पर कल हमने देखा था किस तरीके से हंगामा किया गया था, कैसे वहां पर कुछ कट्टरपंथी पहुंचे और इसके बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज एक बार फिर से 4 बजे जामिया पहुंचेंगे यूनिवर्सिटी के छात्र और वो कार्यक्रम जो कल नहीं हो पाया था उसको फिर से आज मनाने की कोशिश होगी। हिंदू छात्रों के समर्थन में दिवाली मनाने का ऐलान किया गया है। कल भी कार्यक्रम था जिसको आयोजित किया गया था, लेकिन हमने वो तस्वीरें देखी थी कि कैसे इसमें खलल डालने की कोशिश हुई थी। और सवाल तो यही है कि आखिर कौन वो लोग हैं जिनको इस तरीके के कार्यक्रम से आपत्ति है, आखिर क्या परेशानी है, क्योंकि ये जो आयोजन है इसमें सभी को बुलाया गया है, लेकिन क्या कुछ खास लोग हैं जो नहीं चाहते कि वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द रहे, आपस में मिलकर के दिवाली उत्सव मनाया जाए, आखिर मंशा क्या है? क्योंकि जामिया से इस तरीके की जो आवाजें हैं वो पहले भी उठती रही हैं, जामिया पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। और अब देखना यह है जो आज 4 बजे आयोजन किया गया इस कार्यक्रम का, उसमें क्या कुछ रहता है, क्योंकि क्या उस तरह का साथ मिलता है? कल भी ये कहा गया था हंगामे की क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो महज एक आयोजन है और इसमें क्या फिर आपत्ति है? काजल हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। काजल बताइए, 4 बजे आज आयोजन किया गया है, आज वहां की तस्वीर क्या देखने को मिल रही है, किस तरीके से सतर्कता है और क्या कुछ जानकारी? तो देखिए, आज शाम 4 बजे एक बार फिर से जामिया में दिवाली उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन कल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जबरदस्त तरीके से बवाल काटा गया, हंगामा हुआ, क्योंकि दीपो उत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन कुछ कट्टरपंथी ऐसे जिन्हें ये कार्यक्रम रास नहीं आया और विघ्न डालने का काम किया गया। इसके बाद दो पक्षों में जबरदस्त तरीके से भिड़ंत हुई और हालात तनावपूर्ण बन गए। इसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती आज जामिया इस्लामिया में की गई है, कोशिश ये की जा रही है कि हालात को काबू किया जाए। लेकिन आपको ये बता दें कि आज काजल हमारे साथ जुड़ चुकी है। काजल बताइए, बस आधे घंटे के बाद कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, किस तरह से आज सुरक्षा देखने को मिल रही है, क्या कुछ और जानकारी? सर इसी फोन पे कॉल